नमस्कार, एक बार फिर लेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। आज हम बड़े ही पते की बात आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। जिन लोगों को कपड़े का बिजनेस करना है या फिर अन्य चीज का बिजनेस करना है और वो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें, उस पे यूट्यूब में वो बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं। अब यूट्यूब में लिखा हुआ रहता है कपड़े 5 रुपए मीटर से आरम्भ, 20 रुपए मीटर से आरम्भ, या चूड़ी हो, बैंगल्स हो, कुछ भी हो, लेस पट्टा हो, 10 पैसे से लेस पट्टा। ये इतना अच्छा आकर्षक ऊपर में जो उनका बोर्ड बना हुआ होता है पोस्टर, उसे देखकर लोग फिसल जाते हैं और कहते हैं वाकई 5 रुपए मीटर कपड़ा भी होगा क्या, या फिर तौल का 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो। ये है मार्जिन। यूट्यूब पर पढ़ते ही किलो के भाव में लोग समझ जाते हैं कि चलिए किलो के भाव जो कपड़ा लेंगे बड़ा ही सस्ता रहेगा। चलिए इनवे हमने इन्वेंशन किया, हमने सोचा क्या वाकई आखिर सच क्या है, और सच की खोज में हम निकल गए। वो बंगलोर की बात करें तो, सूरत की बात करें तो, अहमदाबाद की बात करें तो, यानी गुजरात के 4-5 जगहों की बात कर ले, या फिर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात कर ले, कपड़े जिनके कपड़े हैं या जो फैक्ट्री है, हम उनकी बात ना करके अभी बात करते हैं जो लोग यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं या फिर कपड़े के शोरूम में पहुंचते हैं। कपड़े के शोरूम में जो भी दिखता है वो तो दिखता है, लेकिन वीडियो बनाने वाले अपने ऊपर लिख देते हैं 5 रुपए मीटर से। चलिए हम भी चले गए ये सोच करके, चलिए जरा देखते हैं कि क्या वाकई में 5 रुपए मीटर कपड़े हैं या फिर 5 रुपए से दुपट्टा आरंभ है। तो हम भी कपड़े की दुनिया में ही आज से नहीं 20 वर्ष हो गए हमारे कपड़े की दुनिया में, 20 वर्ष से ज्यादा ही लीजिए, लेकिन हर दुकान का अपना अपना तरीका होता है, सिस्टम होता है, और अभी जो होलसेल का भाव है उसमें और रिटेल भाव में दोनों में कोई फर्क नहीं है। उनके लिए जो इसमें डूब नहीं गए हैं, ये एक समंदर है। कपड़े की दुनिया को आप समंदर कह सकते हैं तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जहां हमने दस्तक नहीं दिया। और इसलिए इस पैटर्न से हम आपको बता रहे हैं कि वो सूरत की बात ले लीजिए या फिर अहमदाबाद की बात ले लीजिए, इसलिए कि कपड़ों की बात जब भी आएगी तो गुजरात की बात जरूर ही आएगी और फंड पे रहेगा। वैसे ही महाराष्ट्र की बात को ले लें तो हम जब खोज में निकले तो मुझे तो 5 रुपए का कोई भी दुपट्टा ऐसा नहीं मिला, या फिर 5 रुपए मीटर, 8 रुपए मीटर का कोई कपड़ा नहीं मिला, या फिर जो तौल से जो भाव होता है उसमें 350 रुपए केजी, 1 केजी देखने के लिए कपड़े मैंने भी लिए, यह देखने के लिए कि देखते हैं केजी का भाव जो कपड़ा होता है वो कैसा है। चलिए ऊपर में जो भी देखने को मिला लेकिन वो लपेटा हुआ होता है और आपको 20 केजी, 25 केजी या फिर 10 केजी लेना ही पड़ता है, या लेकिन उस दुकान में आप चले जाइए जहां आपको 1 केजी भी कपड़े मिल जाएंगे, उस कपड़े को जब लेंगे, चूंकि संभव नहीं होगा कि 10 टुकड़े को 20 टुकड़े को, चूंकि टुकड़े जो बने होते हैं वो 1.5 मीटर का, 1 मीटर का, 2 मीटर का बना होता है, सभी टुकड़ों को न दुकानदार को फुर्सत है कि वो आपको टुकड़े सर्च करने के लिए यानी खोल खोल के देखने के लिए छोड़ दे, और ना आपके पास उतना फुर्सत है कि जिससे 20 टुकड़ों को आप देख सके। लोग अपने घर जब ले आते हैं तो देखते हैं अरे ये हमने क्या देखा कि अंदर छेद होता है या फिर कटा हुआ माल या फिर डिस्ट्रॉय माल को वो लोग प्रेस कर देते हैं, और एक आदमी ही बंदा इसीलिए बिठा होता है कि ताकि अच्छे से वो प्रेस करके उस चीजों को गांठ बांध सके, और इस तरह किलो के भाव कपड़े बेच दिए जाते हैं। अभी तक ने हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा है किलो के भाव या 5 रुपए 10 रुपए मीटर में। सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि आप जो थान का कपड़ा हो, अगर कोई भी अगर आपको कपड़े के बिजनेस करना हो तो जो थान का कपड़ा हो उसमें फर्स्ट क्लास कपड़े लीजिए अपने मन के मुताबिक, जो भी दाम हो वो तो आपका जो भी पर्स अलाउ करेगा उस पर्स के अलाउ के हिसाब से आप कपड़े खरीदेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि थान का ही कपड़ा ले। थान के कपड़े में जोखिम नहीं है, उसमें कुछ भी कटा फटा नहीं मिलेगा या सड़ा हुआ माल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो किलो के भाव लेते हैं, एक तो किलो का जो होता है, सबसे पहले आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे, किलो के भाव में सबसे पहले आप वेट देखिए, वेट के अनुसार किलो होगा, यानी जिस कपड़े का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा तो नेचुरली है कि उसमें कितना मीटर आपको पड़ेगा, वहीं पे घूम फिर कर आप आ जाएंगे
अगर आपको 57 रुपीस अगर मीटर से कपड़ा मिलना है तो इसमें भी आप देखेंगे कि 57 नहीं 58-60 रुपीस आपको मीटर पड़ रहा है, आप नाप कर देख लीजिए। इस पर मैंने बहुत ही इन्वेंशन किया है, बहुत गहरी डूबी हूँ और डूबने के बाद तब ये मैसेज हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि कृपया करके ऐसे कपड़े या कुछ भी हम न किसी दुकानदार का नाम लेंगे और न कोई वीडियो बनाने वाले का नाम लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि हम आप तक जो समाचार पहुंचाए या जो जानकारी दे वो बिल्कुल ऑथेंटिक दे। व्यूज के लालच में या फिर पैसे कमाने के लालच में जितने भी बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं गलत मैसेज देते हैं अंदर में भी और बाहर में भी, लेकिन जब वहीं पे आप सोचते हैं कि चलो हम ट्रेन का टिकट कटाते हैं, बस का टिकट कटाते हैं या फिर गाड़ी से आते हैं, गाड़ी हायर करते हैं और जब जाते हैं दुकान में तो आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है या फिर आप ठगा कर लौटते हैं, तो कृपया ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले तो बिजनेस अगर शुरू करना है तो सबसे पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आपके आस पास 60 किलो 50 किलोमीटर पे कोई ना कोई ऐसा होलसेल का मंडी जरूर होगा, भले ही कम प्रॉफिट आपको हो अलग बात है, लेकिन बिजनेस आप वहां से शुरू कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी ऑथराइज या फिर जो आप तक आपको ऐसा लगता हो कि सच्चा यूट्यूबर है या फिर जो यूट्यूब में मैसेज मिल रहा है मुझे या फिर किसी ना किसी सोशल मीडिया से, अखबार से, पत्रिका से जो भी जानकारी आप तक मिल रही है, फिर उनसे संपर्क कीजिए और उसी संपर्क से आप कपड़े लेकर के दीजिए। मैं भी दावे के साथ यही कहती हूँ कि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल ही एक नंबर का कपड़ा होगा, आपका ना कटा हुआ मिलेगा, ना फटा हुआ मिलेगा, ना सरा हुआ मिलेगा, ना 2 साल से रखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल आपको जो कपड़े मिलेंगे वो मीटर के अनुसार ही बना हुआ मिलेगा, उसमें आप उसको बेच दीजिए। ये मत कहिए फिर कि हम अपने लिए आपके लिए बेचने के लिए या खरीदने के लिए हम आप तक ये मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप पहले संतुष्ट हो जाइए, हर जगह जाइए, देखिए अगर आपको आना है गुजरात या फिर महाराष्ट्र या फिर बंगलोर कहीं भी या दिल्ली कलकत्ता कहीं भी जाना हो, सबसे पहले अपने मन के दरवाजे को खोलिए, दस्तक दीजिए और फिर वहाँ जो ऑथेंटिक हो उस पे विचार कीजिए। लेकिन इस YouTube पे जो लिखा होता है 5 रुपए मीटर कपड़ा या फिर 250 रुपए किलो कपड़ा, सबसे पहले देखिए कि 1 kg कपड़े में कितना मीटर कपड़ा आता है और वो मार्केट में जब आप वो कपड़ा लेने जाते हैं तो वो किस भाव का कपड़ा आपको दिखाई पड़ता है या फिर मिलता है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन यही हम कहेंगे कि रेडीमेड कपड़े जो भी होते हैं, बने बनाए कपड़े होते हैं, उस चीजों को लेकर के आप अपना उद्योग में 4 चांद लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हो रेडीमेड कपड़े लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको उद्योग का एक रूप दीजिए, आपको काफी आइडियाज आ जाएंगे। कपड़े देखने के बाद भी आइडिया आता है किस तरह के कपड़े में कौन सा डिजाइन डालेंगे या फिर कपड़े की सिलाई कितनी होती है। बहुत सारे सिलाई को देखिए कि कपड़े का मतलब ही है रेडीमेड टाइप में, यानी कि 5 नंबर पे सिला होता है, लोग कहते हैं कि रेडीमेड है। तो इस तरह छोटी छोटी जो बारीकी होती है उसको टच करना होता है। फिलहाल हम आपको यही संदेश देने वाले थे कि आप दूर का ढोल सुहाना होता है उसे मत दौड़िए, हाँ अच्छे लोगों से संपर्क जरूर कीजिए, 2-4 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो रेडीमेड का कारोबार करते हैं, आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास यानी कि जिस तरह अपने शोरूम में कपड़े बेचते हैं उस तरह आपको कपड़े देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि हम 1 kg इस भाव में 1 kg कपड़े देना है, या फिर हाँ हम लोग सेल भी लगाते हैं, महासेल भी लगाते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन सेल भी लगाते हैं तो कम लागत में बने हुई चीज लेकिन मीटर का कपड़ा ही ऑथेंटिक बिल्कुल चमचमाता हुआ कपड़ा ही हम परोसते हैं सामने वालों को, ताकि पहनने वाले पहने और लेने वाले खरीदार जो होते हैं वो दोबारा भी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे और दस्तक दे करके उस कपड़े को ले जाए और हैप्पी हैप्पी दे। कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये ईश्वर ने कहा है। और कभी भी अगर आप ग्राहक से पैसे लेते हैं तो उस पैसे को कभी भी जाया मत जाने दीजिए, कम से कम उनके कीमत का जो भी सामान है उन तक दीजिए। ऐसा कभी नहीं कीजिए कि हम ऊपर में ठगी का एक सैंबल लगा करके और लोगों को दूर दूर तक दौड़ा देते हैं और लोग ढूंढते रह जाते हैं कि 5 रुपए या 8 रुपए मीटर कपड़ा आखिर मिलता कहाँ है और इसी में गुमराह हो जाते हैं। तो वैसे लोगों से बिल्कुल बचिए और खुद को बचाइए और कदम बढ़ाइए, और बिजनेस करना हो तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जरूर है, चूंकि ईमानदारी इस धरती पर जरूर आज भी मौजूद है, तभी हमारा भारत चल रहा है, हमारी दुनिया चल रही है और ईमानदारों की कमी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं बिजनेस करना तो पहले अपने मन को टटोलिए और फिर आरंभ कीजिए धीरे धीरे से। आप चाहे तो हमसे भी कपड़े ले सकते हैं और बना सकते हैं, या फिर रेडीमेड कपड़े जो तैयार कपड़े हैं वो भी ले करके आप
आसपास में, या फिर अगर दुकान खोले तो दुकान के लिए भी कपड़े दे सकते हैं। आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास, यानी कि कोई वो जाली माल आपको नहीं मिलेगा, ना जाकरी माल मिलेगा, बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास माल मिलेगा, जिस माल को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। बस कहना यही है, बिजनेस से पहले मन को टटोलिए और ध्यान दीजिए छोटी छोटी बारीकी पे, वहीं पे आपको मजबूती मिलेगी। और छोटी छोटी बारीकी पे अगर आप ध्यान देंगे तो कल आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।